बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम इनहास में खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल के मुतालिक बताया जाएगा कि हुकूमत पंजाब ने जो नया ऐलान किया है कि वो 50,000 घरों को सोलर पैनल देने जा रहे हैं, उसके मुतालिक बताएंगे कि पिछली स्कीम का जो ऐलान हुआ था वो क्या थी और आज जो नई स्कीम अनाउंस हुई है उसके मुताबिक कौन कौन से लोग इस स्कीम के अंदर क्वालिफाई करते हैं और आप ये सोलर पैनल किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और कौन सी चीज़ें इस स्कीम के अंदर सोलर पैनल से मुतलका शामिल नहीं है, यानी जिस तरह के पैनल्स हो गए, इन्वर्टर हो गए, तार होगी और दीगर इस तरह के जो एक्सेसरीज हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं और कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि ये स्कीम टोटल कितने पैसों की है और जो नई स्कीम आई है पुरानी के मुकाबले में वो किस कदर बेहतर है, उसके अंदर कौन कौन से प्लस पॉइंट्स हैं और कौन कौन से उसके अंदर माइनस पॉइंट हैं जो के पहले बेनिफिट्स दिए गए थे और इस वक्त वो बेनिफिट्स नहीं हैं। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से लोग इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं और कौन से लोग इस स्कीम से आउट हो जाएंगे, यानी इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्राई करो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके और आप इन मालूमात से फ़ायदा उठाते रहें। दोस्तों जिस तरह के वीडियो के शुरू में आपको बताया गया है कि हुकूमत पंजाब ने सोलर पैनल देने का इरादा किया है अवाम को और ये बात आप शायद समझ रहे होंगे कि एक ऐलान पहले भी हो चुका है तो ये वही है। दरअसल वो ऐलान और नौयत का था और ये ऐलान दूसरी नौयत का है। वो ऐलान ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 50,000 घरों को फ्री सोलर पैनल देने जा रही है जो कि 1 किलोवाट के होंगे, यानी उसके अंदर 2 सोलर प्लेट्स होंगी, इन्वर्टर होगा और इस तरह की 2 दूसरी एसेसरीज हैं वो शामिल थी। उस स्कीम को हासिल करने के लिए वो लोग उसके अहल थे जिनके घर का बिल 100 यूनिट या इससे कम आता था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अक्सर घरों का जो बिल है वो 200 से ऊपर तजावज़ कर जाता है, जिस भी घर के अंदर 3, 4 या 5 बंदे होंगे वहाँ पर लाजमी तौर पर अगर 2 पंखे चलते हैं तो उसका बिल 200 यूनिट से ज़्यादा ही आता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो परेशान थे कि हम तो इस स्कीम से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते लिहाजा हमारे लिए इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम अनाउंस की है, इस स्कीम के तहत वो लोग इसमें शामिल हैं जिनके घर का बिल 300 यूनिट तक या इससे कम आता है। इस तरीके से बहुत बड़ी तादाद लोगों की शामिल हो चुकी है। अलबत्ता इसमें एक प्रॉब्लम यह भी मुझे नजर आ रहा है कि 50,000 घरानों को ये सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि ये तादाद कम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये तादाद बढ़ाएं। रोशन घराना के नाम से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की यह स्कीम है जिसमें 50,000 खानदान शामिल हैं और इसके अंदर गवर्नमेंट ने 12.5 अरब रुपए का फंड रखा है सोलर पैनल्स के लिए और दीगर एसेसरीज के लिए जो कि 50,000 घरानों को दिए जाएंगे। पिछली स्कीम के अंदर सिर्फ आपको पैनल दिए जा रहे थे और इन्वर्टर दिया जा रहा था और बैटरीज दी जा रही थी, जबकि इस स्कीम के अंदर एडवांस 25% पेमेंट घर वालों को करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ 2 से 3 साल की आसान एक साथ होंगी और वो लोग जो के इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करेंगे वो बकाया 75% रकम 2 से 3 साल की आसान एक साथ में अदा कर पाएंगे। और इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज और दीगर एसेसरीज वगैरह तमाम चीज़ें शामिल हैं। और अगरचे ये स्कीम पिछली स्कीम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव है जो कि सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं अपने घर के अंदर 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। अब वो थोड़ी सी रकम अदा करके बाकी इकसात के ज़रिए अपनी रकम अदा करेंगे और इसमें उनको सूद भी अदा नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ उन घरानों के लिए जिनका बिल 300 यूनिट से कम है उनको फ़ायदा दे सकती है। मेरे तमाम वो व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स जो कि इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आप कमेंट्स के अंदर मुझे लाजमी ये बताइएगा कि जो पहले स्कीम अनाउंस की गई थी वो बेहतर है या कि ये वाली जो स्कीम अनाउंस की गई है ये बेहतर है, यानी जिसमें 1 किलोवाट का सिस्टम 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वालों को फ्री दिया जाना था वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर 300 यूनिट
बिजली खर्च करने वालों को आसान इकसात पर जो सोलर पैनल 2 किलोवाट या 3 किलोवाट के दिए जाएंगे वो बेहतर है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके और आप इन मालूमात से फायदा उठाते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।